चल दूध कौन सा वाला लेना है? बाहर भी है और यहाँ पे चाय बना रहा है। तो कौन ना बोल सकता है, मैं खाऊंगा। दूध कौन सा लेना है तो मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। नमस्ते नमस्ते। तो बात ऐसी है कि ये दिन का ऐसा टाइम है जहाँ पे अगर आपने कुछ भी अटपटा खा लिया तो पूरा स्केड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। वो ऐसे क्योंकि अभी बज रहे हैं 6:30 और इस टाइम पे अगर कुछ बर्गर या फ्रैंकी या जोमेटो से कुछ भी ऐसा हैवी ऑर्डर करके आपने खा लिया तो फिर 8:30 बजे डिनर तो होने से रहा, फिर डिनर नहीं करेंगे और लगेगा पेट अभी तो भरा हुआ है, बट रात को 11 बजे लगेगी जबरदस्त भूख और तब आप खाएंगे मैगी या कुछ भी ऐसा नॉनसेंस जो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो मैं आज आपको बताऊंगी, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बनाने वाली हूँ, पहली बार ही बनाने वाली हूँ बट आई थिंक इट विल नॉट गो रॉन्ग। तो मैं रॉ पनीर सैंडविच बनाने वाली हूँ जिसमें मुझे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और कुछ स्पाइसेस, दिखाती हूँ मैं अभी आपको। वैसे ये जो पनीर, मैं एक ही सैंडविच बनाने वाली हूँ, जो पनीर का टुकड़ा है वो मैंने अभी कल पनीर की सब्जी बनाई थी तो बच गया था। मैंने अबाउट 1/4 पनीर यूज किया था, 3/4 पनीर बचा हुआ है। तो मैं निकाल रही हूँ पनीर। जब तक ये बोलती रहेगी मेरी चाय बन जाएगी, मैं अभी सो के उठाऊंगा। चाय बनाते टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि चाय बनाते टाइम आप आलू ना डाल दें चाय में, ठीक है? ये ध्यान रखना। मुझे लाइफ में दो चीजें बनानी बहुत अच्छे से आती है, उल्लू, पहली चाय और दूसरा उल्लू, पहला उल्लू। तो मैंने यहाँ पे लिया है बटर, लकीली मेरे पास थोड़ी सी धनिया की चटनी है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा धनिया, रुक, एक हरी मिर्ची और पनीर, रुक रुक, अभी जब मैं बना के दिखाऊंगी तब तो नहीं। तेरे को तेरी तेरे हाइट के हिसाब से सेट कर दिया। डू यू वांट टू से कि मेरी हाइट बहुत कम है? नहीं, प्लेटफॉर्म बहुत लंबा है, तेरी हाइट परफेक्ट है। तो अभी ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि कौन बाहर का खाएगा, नॉनसेंस खाएगा, लेकिन इसने खुद ने अभी जोमेटो से समोसे मंगाए हैं। आप देखो, मैंने समोसे मजबूरी में मंगाए हैं और मजबूरी ये है कि मुझे एक्चुअली सिंधी पूरी चाहिए थी जो कहीं मुझे मेरे एरिया में मिल नहीं रही है, तो मैंने जोमेटो से वो सिर्फ 90 रुपीज का दे नहीं रहा था तो मुझे समोसा मंगाना पड़ा। मतलब एक चीज अगर ना दे तो तुम दूसरी चीज मंगाओ ताकि वो आके तुम्हारे घर में देखे जाए। व्हाट नॉनसेंस। अच्छा देख ले एक बार समोसा, और समोसा दिखाता हूँ मैं आपको। रुको, खाने के लिए मना किया है ना। क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कभी कि जब आपको कभी वो इम्पोर्टेंट काम करना हो तभी आपके मुंह पे ये पिंपल आ जाए? मेरे साथ ये हर बार हो जाता है, मुझे बहुत इरिटेशन होती है इससे, इसके लिए मैं आइस पैक लगाता हूँ अपने फेस पर। आपने अभी तक हमारे जितने भी ब्लॉग्स देखे हैं उसमें शायद हम इतने अच्छे नहीं दिख रहे थे, लेकिन आज के बाद हम बहुत अच्छे दिखने वाले हैं क्योंकि आज श्रेया ने बेसन और पता नहीं क्या क्या तो मिक्स करके, बेसन हनी और क्या मिक्स किया था तूने, वो सब उसने हमारे फेस पर लगाया और इसी वजह से जो हम -10 से -8 पे आए हैं इस वजह से आए हैं। मतलब ठीक है, अभी और स्कोप है, हम एक साल तक ये लगातार करेंगे, आप खुश हो जाओगे हमको देखकर, अपने आप सब्सक्राइब का बटन दब जाएगा आपका। तो यहाँ पे मैंने पनीर को थोड़ी देर माइक्रोवेव कर लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं इसको चम्मच से तोड़ने वाली हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो अनियन और ग्रीन चिली और धनिया पत्ती हमने क्रश करके रखी थी, दैट्स इट। और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूंगी और मैगी मसाला डाल दूंगी और बटर लगा के बस ब्रेड को सेक दूंगी। Thank you.
में हम लगा देंगे बटर जेनरसली और फिर थोड़ा सा बटर ऊपर, अब हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। और ये सैंडविच तैयार है, क्या खूबसूरत लग रही है, वाह। और अब मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ कि ये कैसी है बैक स्टेट। गरम है, गरम है। सच बताओ, नॉट फॉर द ऑडियंस, केचप, केचप यू वांट? बहुत टेस्टी है, वेरी नाइस। केचप और ग्रीन चटनी दोनों के अच्छी लगी, ग्रीन चटनी डालिए, मैं सिर्फ केचप डाल, बस दूं ग्रीन चटनी? नहीं 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 नहीं, ये सही लगेगा। अच्छी है। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छा, मैं समोसा का रिव्यू दूँ। पट्टी समोसा एक भी नहीं खाएगा यार, इतने समोसा थोड़ी खाऊंगी मैं। हम तो तीन दिन में खा पर खा। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है, आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय। समोसा इज नॉट गुड। समोसा नहीं सर, अजीब है। मैंने मना किया करता हूँ, मैं हमेशा इसको मना करता हूँ, फालतू चीजें मत मंगाया कर। नहीं बुरा नहीं है, अब रहने दे, बुरा नहीं है, बाय।